हेलो दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स के सेकंड यूनिट में आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट ही आपको करा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कितने प्रकार का होता है और उनका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की। When the light from a source containing a substance in molecular state is sent into a spectrometer, more or less broad wavelength region are observed in the spectra। तो मैंने ये कहा कि जब भी आप कोई भी लाइट लेते हो, किसी भी सोर्स से कोई भी लाइट लेते हो, तो उसको मॉलिक्यूलर स्टेट इज सेंड इन टू द स्पेक्ट्रोमीटर। जब उस लाइट को आप स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से भेजते हो, जो भी प्रिज्म हमारे पास में वहां पर रखा रहता है, तो मोर और लेस ब्रॉड वेवलेंथ रीजन आर ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रा, दीज रीजन आर कॉल्ड बैंड्स। इसको क्या कहते हैं, हम बैंड्स कहते हैं। देखा होगा आपने सेवन कलर का एक बैंड्स आता है, जिसको हम विवग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो दीज रीजन आर कॉल्ड बैंड्स एंड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, और उसका जो स्पेक्ट्रम रहेगा उसको क्या कहेंगे, बैंड स्पेक्ट्रा कहेंगे, और क्या कहेंगे उसको, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया, दोबारा से लिख लीजिए। व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सोर्स कंटेनिंग अ सब्सटेंस इन द मॉलिक्यूलर स्टेट इज सेंट इन टू अ स्पेक्ट्रोमीटर, मोर और लेस ब्रॉड वेवलेंथ रीजन आर ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रा, दीज रीजन आर कॉल्ड बैंड्स एंड द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास में केस आ गया। द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कैन बी डिवाइडेड इंटू टू थ्री स्पेक्ट्रल रेंजेस। हमारे पास में कितना रहेगा, तीन स्पेक्ट्रल रेंजेस में रहेगा। पहला है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, दूसरा है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। तो हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस स्पेक्ट्रम लाइज इन द फार इंफ्रारेड रीजन, जो ये स्पेक्ट्रम है वो फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करता है, एंड इज कॉज बाई, और जबकि जिससे होता है, किसके द्वारा होता है, कॉज बाई रोटेशनल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब आपके कोई भी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, मूव्स करते हैं अराउंड अ फिक्स पॉइंट, तो उसको कहते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। बात आती है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। अब मैं बात करता हूँ, रोटेट भी कर रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है, तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, दिस स्पेक्ट्रम लाइज इन द नियर इंफ्रारेड रीजन। इस तरीके के स्पेक्ट्रम हमारे नियर इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, एंड इज कॉज बाय द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपॉन विच दे आर सुपर पोज द रोटेशनल मोशन, और क्या करते हैं, वाइब्रेट करने के साथ में वो क्या कर देते हैं, सुपर पोज कर देते हैं अपनी रोटेशनल मोशन को। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। दिस स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन, जो इस तरीके के हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम किसमें लाई करते हैं, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर करते हैं, कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जो कि किससे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से कनेक्टेड है, ओवर विच आर इम्पोज मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन एंड रोटेशन। इनमें वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों तरीके की क्या होती है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं एंड रोटेट भी करते हैं। इस तरीके के ये तीन चीज मैंने आपको इस तरीके इसमें पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्या पढ़ाता हूँ मैं आपको, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्या चीज है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसके अंदर क्या है, वो है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। क्या है, रोटेशनल एनर्जी
levels, rotational energy levels. This is the important topic for your exam. आप सबसे पहले आपने क्या काम किया, दो molecules लिए, एक ये ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, ये ले लिया. इस molecules का जो mass है वो क्या चीज है, m1 है, और इस molecule का mass क्या चीज है, m2 है. इसका ये center point है, ये हमारे पास में center point है, तो इन दोनों को, इन दोनों के center से क्या कर दिया, मिला दिया, जिसे dipole moment एक तरीके से कह देते हैं. और ये हमारे पास में क्या चीज है, x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है. दिस इज द सेंटर पॉइंट, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास. तो ये हमारे पास में y क्या हो गया, y एक्सिस हो गया. और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ये हमारे पास में क्या रहेगी, z एक्सिस रहेगी. इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या चीज है. और इस वाले पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास. तो इस सेंटर ऑफ मास से यहां तक के बीच की दूरी, और इस सेंटर ऑफ मास से इधर तक के बीच की दूरी, इसमें मैंने क्या कह दिया, इसको r1 कह दिया, और इसको क्या कह दिया, r2 कह दिया. और टोटल डिस्टेंस इनकी क्या रहेगी, हमारे पास में r रहेगी. कहां रहेगी, r रहेगी. r कहां से कहां तक रहेगी, r यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी r है. r का मतलब है r1 प्लस r2, ये टोटल हमारे पास में क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी. तो आपने क्या कहा, लेट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मासेस m1 एंड m2, सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस r. क्या कह दिया, फिक्स डिस्टेंस r. दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या चीज है, r है. लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास इसको cm कह देते हैं, cm, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम लाइज on the origin and two masses are rotating about their सेंटर ऑफ मास. cm डाल दिया मैंने, ठीक है. विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है. लेट r1 एंड r2 बी द डिस्टेंसेस of the atoms from the center of mass. तो ये सारी चीज आपने यहां तक देख ली, from the center of mass. तो according to center of mass equation, सभी को पता हुआ है सेंटर ऑफ मास इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल टू एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर अपॉन में क्या रहेगा, एम वन प्लस एम टू. दिस इज द वन इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दोबारा देख लीजिए, आर इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
तो मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन इज जीरो, सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन इज जीरो, जीरो। तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे क्या रहेगा? जीरो। तो सच दैट आर इज इक्वल टू जीरो, क्या रहेगा? आर इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए, तो देन इक्वेशन वन, देन इक्वेशन वन, तो आर जीरो, तो एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ये आ जाएगी। मैं इस सारा रफ कर देता हूं, तो हमारे पास में इक्वेशन बन के आई है, इसको दो पार्ट्स में ले लेते हैं जिससे दिक्कत ना आए। मैं ये कहता हूं कि आर जीरो रह गया, तो जीरो इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन में क्या है एम वन प्लस एम टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगर मैं यहां से एम वन आर वन इज इक्वल टू माइनस एम टू आर टू की वैल्यू निकाल देता हूं, तो आर वन इज इक्वल टू माइनस एम टू आर टू ओवर में क्या आ जाएगा? एम वन। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? इक्वेशन वन हो गई थी वो, और एक इक्वेशन इसको क्या कह देते हैं? टू कह देते हैं, ठीक है। तो इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड में लेंगे तो आर वन बराबर एम टू अपॉन में एम वन आर टू आ जाएगी, वेक्टर हट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नाउ द टोटल डिस्टेंस इज गिवन बाय, नाउ द टोटल डिस्टेंस इज गिवन बाय, गिवन बाय, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में आपको पता है क्या थी? आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इक्वेशन नंबर फोर, ये हमारे पास में है। अगर मैं यहां से आर वन की वैल्यू यहां रखता हूं तो आर इज इक्वल टू क्या है? एम टू ओवर में एम वन आर टू प्लस आर आर टू। आर वन की वैल्यू यहां से डाल दी है जी, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ब्रैकेट में लिख देना देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये हमारे पास में आ गया, मैंने यहां से R इज इक्वल टू आर टू ही कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा M1 वन प्लस एम टू अपॉन में एम वन, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? R बराबर हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी कि M1 वन प्लस एम टू अपॉन में क्या आ जाएगी? दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो सिमिलरली M1 हमारे पास में है तो R की वैल्यू है ना ये, और यहां से मैं R2 निकाल लेता हूं तो R2 बराबर क्या जाएगी? M1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये हमारा आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास में R। तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही सिमिलरली, सिमिलरली R1 निकालू तो M2 अपॉन में M1 प्लस M2 आर आ जाएगा। ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन फाइव और ये इक्वेशन सिक्स, निकाल के देख लेना यही आएगी। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। आर वन और आर टू आ गया, ये चीज आप याद रखना, मैं इसको मिटा रहा हूं रख करके। अब मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूं, क्योंकि घूमता है, मूव्स करता है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल
about an axis of about an axis passing through, कहां से जा रहा है वो, passing through its center of mass and perpendicular to a line joining two atoms, ये हमारे पास में रहेगा two atoms, तो I हमारे पास में क्या रहेगा, moment of inertia m1r1 square plus m2 r2 square, ये रहता है ना moment of inertia, is the product of mass and square of the distance perpendicular from the axis of rotation. तो यहां तक आपने इसको देख लिया, 5-6 हो गई थी ना, 4-5-6-7, ये हमारे पास इक्वेशन क्या चीज है, 7 है. इसको रेड मार्क ब्रैकेट के अंदर मैं इसको बंद कर देता हूं, ये रहा, कर दिया इसको इस तरीके से बंद. तो अब आपको करना है, now using the value of R1 and R2 in equation 7. 7 में R1 और R2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो I is equal to M1 into, R1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास में, R1 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास में स्क्वायर है ना, तो M2 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में क्या, M1 प्लस M2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारे पास में, ऐसे ही प्लस M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी आपकी इस तरीके से, क्योंकि पता है R1 और R2 की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू बेटा M1 यहां से और M2 यहां से कॉमन ले लिया और R स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, और साथ में मैंने क्या ले लिया, ये और ले लिया M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर भी कॉमन बचा, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा M2 प्लस M1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो I बराबर क्या वैल्यू आएगी, M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 और बाहर क्या आ जाएगी, R स्क्वायर, ये I की वैल्यू आ इक्वेशन नंबर 8, ये I की वैल्यू आ चुकी है. तो हमारे पास में जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात कर रहा हूं, वेयर तो I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर है, तो इससे हमें इसको क्या करना, कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर दो, इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, तो हमारे पास में वेयर म्यू इज इक्वल टू क्या है, M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इज कॉल्ड रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, इसको क्या कहेंगे, रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिड्यूस मास हो गया. अब मैं बात करता हूं आपसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारी चीज याद रखना, आप कौन सी चीज क्या क्या निकाली है. अब मैं बात कर रहा हूं इसी के अंदर, किसकी मैं बात कर रहा हूं, अब है रोटेशनल एनर्जी, नाउ रोटेशनल एनर्जी इज गिवन बाय रोटेशनल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो ये रहेगी हाफ ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 8, 9, 10 हो गई है,
ये इक्वेशन अगर आगे पीछे हो जाती है तो आप एक बार चेक कर लेना, तो इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम सिंस हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल आई, ठीक है, क्या आ जाएगा एल आई। तो यूजिंग अब इक्वेशन तो E इज इक्वल टू वन बाई टू आई इन टू एल अपॉन में आई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू आई इन टू एल स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में टू आई। ये हमारे पास में इक्वेशन 11 हो गई है, क्या होगी इक्वेशन 11। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछें, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो एल हमारे पास में क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो हमारे पास में एल हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम हो गया, नाउ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय तो एल हमारे पास में क्या रहेगा एल रहेगा अंडर रूट जे जे प्लस वन और हमारे पास में क्या रहेगा एच कट, वेयर एच कट हमारे पास में क्या रहता है एच ओवर में टू पाई रहता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या हो जाएगा जे से, टोटल रिजल्टेंट कहते हैं इसको, तो जे जे प्लस वन। तो जब इस इक्वेशन को आप यहां डाल दीजिए तो ई जे, क्योंकि जे की फॉर्मेट में आ गया ना जे, तो एल की वैल्यू क्या है जे जे प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा टू आई, और आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास में म्यू आर स्क्वायर, यही तो थी आई की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर। देखो ये सारी चीज यही आपकी वो इक्वेशन है कि हमारे पास में क्या रहेगा, दिस इज द ये है एनर्जी इन केस ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल, हमारे पास में ये आ गया है ई जे, हमारे पास में क्या है जे जे प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन में टू एम टू म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या चीज है हमारे पास में, म्यू इज द रिड्यूस मास, क्या चीज है हमारे पास में म्यू इज द रिड्यूस मास। तो अगर मैं बात करता हूं वेयर, यहां पे अगर मैं बात करता हूं वेयर वेयर जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड अप टू, कहां तक जाएगा आगे जाएगा एज रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर इसको क्या कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। मैं इसको मिटा देता हूं ये सारी चीज और इसको यहां लिख दिया है, क्योंकि दिस इज द ई जे 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 प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर, ये है हमारे पास में और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया जिससे आपको याद रहे, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारे पास में क्या सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले में से अगर मैं बात कर देता हूँ एनर्जी लेवल्स की, देखो पहले मैं ई जीरो निकालता हूँ, ई जीरो when j इज इक्वल टू जीरो, तो e जीरो का मतलब जीरो जीरो प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर बराबर जीरो। ऐसे ही when j इज इक्वल टू वन, तो e1 निकालो, e1 वन वन प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर, वन है वन और वन टू, तो टू एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू रहेगी ई वन की। ऐसे ही वैन जे बराबर टू, तो ई टू का मतलब टू टू प्लस वन
एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर, ये आ गया टू और थ्री सिक्स, एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही व्हेन व्हेन जे इज इक्वल टू थ्री, तो ई थ्री 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 प्लस वन, क्योंकि जे जे प्लस वन, एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर, तो ई थ्री क्या आ जाएगा ट्वेल्व, कितना आ जाएगा ट्वेल्व एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि हमारे पास में जो एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे दिस इज द वन एनर्जी लेवल, टू जीरो वन टू थ्री, तो मैं ई जीरो की बात करता हूं, ई जीरो ई वन ई टू ई थ्री, तो ये एनर्जी लेवल हमारे पास में आ जाते हैं। तो इनमें एनर्जी लेवल्स के बाद में ई जीरो की वैल्यू क्या थी, ई जीरो बराबर जीरो, ई वन की वैल्यू क्या थी, देखिए ई वन की वैल्यू ये थी टू एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर, ऐसे ई टू की वैल्यू क्या थी, हमारे पास सिक्स थी, सिक्स एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर, और ई थ्री की वैल्यू क्या थी ट्वेल्व एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू आर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से लेवल्स आएंगे हमारे पास में, क्या आएंगे इस तरीके से ये लेवल्स आएंगे। तो इसी के अंदर आप लिख दीजिए द रोटेशनल एनर्जी फॉर क्वांटम नंबर, द रोटेशनल एनर्जी फॉर क्वांटम नंबर जे एंड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर गिवन इन द ग्राफ। तो ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है। इस तरीके से आपने एक आर्टिकल किया है जिसको आपने किस तरीके से ले दिया, रोटेशनल एनर्जी लेवल, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जामिनेशन। ये सारी चीज इस तरीके से निकालेंगे, ये ऑर्डर है, मैंने टू इसलिए निकाला सभी के अंदर कॉमन है, ठीक है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई के फॉर्मेट में भी हो सकता है, आई के फॉर्म में। तो इस तरीके से मैंने आपको एक आर्टिकल करा दिया है, ठीक है, जिसका नाम है क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और रेगुलर काम कीजिए, जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीएससी सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम तो 100% होंगे, ऑप्शन टाइप के भी आएंगे, तो मैं इसके ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट में जो पेपर आया था आपका फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, ये भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।